है गाइज, हमारे चंद्र राजग्रह स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं हर रोज़ शाम को आपके लिए ग्रामर की क्लास लेके आता हूँ, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो अंग्रेजी सीख रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामर में हमारा जो टॉपिक है वो नंबर वचन चल रहा था, और इससे पहले हमने ग्रामर के टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया था, नाउन किया था, और टेंस की जो एडवर्ब्स है वो भी हमने किया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे। इसकी फर्स्ट क्लास में हमने 8 रोल्स कवर किए थे, वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा रोल नंबर 9। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर यानी किसी एक वचन जातिवाचक संज्ञा का लास्ट लेटर यानी अंतिम अक्षर एफ एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटा दो, यानी उनको हटाना है, और इनकी जगह वी ई एस लगाना है। तो वी ई एस लगते ही वो प्लूरल बन जाएगा, यानी बहुवचन बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। काफ, काफ कहते हैं गाय के बछड़े को, कालवश। एल्फ, एल्फ कहते हैं यक्ष पिचास या परी को, एल्वस। वाइफ, वाइफ यानी पत्नी, वीव्स यानी बहुत सारी पत्नियां। थीफ, थीप यानी चोर, थीव्स। हाफ, हाफ यानी आधा, हालवस। लोफ, लोफ यानी पाव रोटी, लोवस। लाइफ, लाइफ यानी जीवन, लिव्स। नाइफ, नाइफ यानी चक्कू, नीव्स। लीफ, लीफ यानी पत्ती, लिव्स। सीफ, सीफ यानी गट्ठा या पुलिंदा, सीव्स। सेल्फ, सेल्फ यानी स्वयं, सेल्वेस। वॉल्फ, वॉल्फ यानी भेड़िया, वॉल्फ्स। इन सभी के पीछे एफ या एफ ई थे, तो इसके कारण हमने इनको हटाकर एफ या एफ ई को हटाकर हमने इनकी जगह वी ई एस करके हमने बहुवचन बनाया। चलते हैं रोल नंबर 10 की ओर। रोल नंबर 10 है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एफ या डबल एफ या एफ ई रहते हैं, लेकिन एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके पीछे एफ या एफ एफ या एफ ई होते हुए भी इनको जब प्लूरल बनाया जाता है इनका, तो हमें सिर्फ एस लगाना होता है। वह शब्द कौन कौन से हैं देखते हैं। जैसे चीफ, चीफ यानी प्रधान, इसके बहुवचन हो जाएगा चीप्स। बिलीफ, बिलीफ यानी विश्वास, बिलीफ्स। क्लिफ, क्लिफ यानी चट्टान, क्लिफ्स। ड्वर्फ, ड्वर्फ यानी वामन या बोना, ड्वर्फ्स। ग्रीफ, ग्रीफ यानी शोक या दुख, ग्रीफ्स। स्काफ, स्काफ यानी गुलबंद, स्काफ्स। गल्फ, गल्फ यानी खाड़ी, गल्फ्स। हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ यानी रुमाल, हैंडकरचीफ्स। हुप, हुप यानी खुंड, हुप्स। रूफ, रूफ यानी छत, रूफ्स। प्रूफ, प्रूफ यानी प्रमाण, प्रूफ्स। मिसचीफ, मिसचीफ यानी क्षति या संकट, मिसचीफ्स। पूफ, पूफ यानी हवा का झोंका या धुएं या भाप का फूंक,
पुप्स। रीफ, रीफ यानी चट्टान का वह भाग जो समुद्र में पानी के समीप हो। रीफ्स। स्टाफ, स्टफ्स, स्टफ स्टफ यानी सामग्री या पदार्थ। स्टफ्स। ट्रफ, ट्रफ यानी घास का मैदान या घुड़दौड़ का मैदान। ट्रफ्स। वॉफ, वॉफ यानी घाट। वॉफ्स। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ यानी कलह या विषाद या विरोध। स्ट्राइफ्स। कैफ, कैफ यानी शराब या कॉफी। क्रिस्टल। कैफ्स। सेफ, सेफ यानी तिजोरी। सेफ्स। तो इन सभी जो शब्द थे उनके पीछे एफ या डबल एफ या एफ ई थे, लेकिन इनके बावजूद हमने इनको बहुवचन यानी प्लूरल बनाने के लिए इसमें सिर्फ एफ एस का प्रयोग किया। नोट देखते हैं। हुप, हुप में हुप्स या हुज दोनों होते हैं, दोनों प्रचलित हैं। स्काफ में स्काफ्स और स्काफ्स दोनों होते हैं। वाफ में वाफ्स और वर्फ्स दोनों होते हैं। और स्टाफ में स्टाफ्स और स्टेप्स दोनों होते हैं। चलते हैं रोल नंबर 11 की तरफ। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनके बीच में वोवल्स को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। वोवल्स कहते हैं स्वर को। स्वर इंग्लिश में पांच होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनको बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे डोरमाउस, डोरमाउस यानी गिलहरी की तरह कुतरने वाला छोटा जानवर होता है। डोरमाइस। फुट, फुट यानी पैर। फिट यानी जो फुट है, FOOT, इसमें ये दोनों क्या है, वोवल है। तो इनको वापस वोवल में परिवर्तित कर दिया, जैसे FEET, फिट। गूस, गूस कहते हैं कलंस को। गूस। लाउस, लाउस यानी जू या घृणित व्यक्ति। लाइस। मैन, मैन यानी आदमी। मेन यानी बहुत सारे आदमी हो गए। माउस, माउस यानी चूहा। माइस। टूथ, टूथ यानी दांत। टिथे। वुमेन, वुमेन यानी औरत। वुमेन, बहुत सारी औरतें हो गई। तो ये जो शब्द थे इनके बीच में हमने वोवल्स डालकर बहुवचन बनाया। रोल नंबर 12। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में ई एन या आर ई एन जोड़कर उनको बहुवचन बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है उनको। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड को बहुवचन बना दिया चिल्ड्रन। ऑक्स, ऑक्सेन। ब्रदर, ब्रोद्रेन। एक ही धार्मिक संस्था का सदस्य है और इसको ब्रदर्स भी कहते हैं, यानी सहोदरा भाई। तो इनके पीछे हमने ई एन और आर ई एन जोड़कर इनको प्लूरल बना दिया। चलते हैं रोल नंबर 13 की ओर। रोल नंबर 13। जनरली यानी सामान्य तौर पर सिंगुलर कंपाउंड जो नाउन्स होते हैं उनके मेन वर्ड्स में यानी उनका जो मुख्य जो शब्द होता है उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कमांडर इन चीफ यानी प्रधान सेनापति, तो इसका हो गया कमांडर्स इन चीफ। पासर बाय, पासर बाय यानी पथिक। पासर्स बाय। सन इन लॉ यानी दामाद। सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ यानी पुत्र वधू। डॉटर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ यानी बहनोई। ब्रदर्स इन लॉ। फादर इन लॉ यानी ससुर। फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ यानी सास। मदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ यानी साली या ननद, देवरानी। सिस्टर्स इन लॉ।
स्टेप मदर यानी सौतेली माँ, स्टेप मदर्स, स्टेप फादर यानी सौतेला पिता, स्टेप फादर्स, स्टेप ब्रदर यानी सौतेला भाई, स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सिस्टर यानी सौतेली बहन, स्टेप सिस्टर्स, स्टेप सन यानी सौतेला बेटा, स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर यानी सौतेली बेटी, स्टेप डॉटर्स, लुकर ऑन यानी दर्शक, लुकर्स ऑन, हंगर ऑन यानी पिसलगो यानी अनुचर या दास, हंगर्स ऑन, मेड सर्वेंट यानी नौकरानी, मेड सर्वेंट्स, कोट ऑफ मेल यानी कवच, कोट्स ऑफ मेल, कोट ऑफ मार्शल यानी सैनिक न्यायालय या फौजी अदालत, कोट्स ऑफ मार्शल, नाइट अरेंट यानी सूरवीर, नाइट्स अरेंट, मेजर जनरल यानी सैन्य दल का अध्यक्ष होता है, मेजर जनरल्स, स्पेंडथ्रिफ्ट यानी अतिव्यय, मुहस्त, धन उड़ाने वाला यानी स्पेंडथ्रिफ्ट, पिक पॉकेट यानी पॉकेट मार या ठग, पिक पॉकेट्स, पिक पर्स यानी दूसरे के रुपए पैसे की थैली चुराने वाला, पिक पर्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स नाउन है जिनके लास्ट में मैन रहता है और मैन के वोवल को बदल कर उनका बहुवचन बनाया जाता है। किन्स मैन, किन्स मैन कहते हैं रिश्तेदार को, किन्स मैन, नोबल मैन, नोबल मैन कहते हैं ठाकुर, अमीर या रईस को, इसका हो जाएगा नोबल मैन। डच मैन, डच हॉलैंड के निवासी को कहते हैं डच मैन। फ्रेंच मैन, फ्रेंच में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं तो फ्रेंच मैन। इंग्लिश मैन, तो इनका हो जाएगा इंग्लिश मैन। और स्टेट्स मैन, इनका हो जाएगा स्टेट्स मैन। ध्यान दें, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो डबल नाउन है जिनके लास्ट में मैन रहता है लेकिन सिर्फ एस जोड़कर ही उनको बहुवचन बनाया जाता है। वो कौन कौन से देखते हैं, जैसे नॉर्थ मैन यानी उत्तर का जो व्यक्ति है, नॉर्थ मैन्स, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण्स, मुसलमान यानी मुसलमान्स, तुर्कोमैन यानी तुर्कोमैन से। रोल नंबर 14, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके मैन वर्ड में मिडल वोवल को बदल कर प्लूरल बनाया जाता है, यानी जो बीच में वोवल्स होते हैं यानी स्वर होते हैं उनको परिवर्तित करके उनको बहुवचन बनाया जाता है। जैसे फुटमैन, फुटमैन यानी वर्दी पहनी नौकर, इसका हो जाएगा फुटमैन। मैन ऑफ वॉर यानी समुद्र सेना का जहाज, मैन ऑफ वॉर। वॉशरमैन यानी धोबी, वॉशरमैन। पोस्टमैन यानी डाकिया, पोस्टमैन। वॉशरवुमैन यानी धोबिन, वॉशरवुमैन। बेगरमैन यानी भिखारी, बेगरमैन। बेगरवुमैन यानी भिखारिन, बेगरवुमैन। तो आदि जो हमारे रूल थे बहुत ही महत्वपूर्ण रूल थे, तो इनको सीख कर आप अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।